हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड परम। दोस्तों, एक शिकायत अक्सर ज़िंदगी में परेशान करती है या दुख देती है कि लोग हमारे बारे में वो सोचते हैं या ऐसा बोलते हैं जो हम नहीं हैं, जो हमारी हकीकत नहीं है, लेकिन लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों बोलते हैं। जितना ज़्यादा डिफरेंस हमारी हकीकत और लोगों के ओपिनियन के बीच में होता है, दुख हमारा उतना ही गहरा होता है। और ये दुख दोस्तों और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तब हम लोगों की ओपिनियन को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कोई सफलता हाथ नहीं मिलती। लगातार साथियों, हम अपना कीमती समय और शक्ति वेस्ट किए जाते हैं लोगों को समझाने में और बताने में कि हम वो नहीं हैं जो आप हमारे बारे में सोचते हैं, या इसके प्रति अपनी लगातार उनसे हम नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं कि आप हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। लोगों को ऐसा सोचना लगातार हमें दुखी करता रहता है। तो यहाँ पर दुख का कारण या इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, लोग नहीं। यहाँ पर समझनी होंगी दो बातें दोस्तों, एक हमारी लाइफ का फैक्ट जिसे हम समझते हैं, एक लोगों की ओपिनियन जो उनके ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी इंसान की ओपिनियन दोस्तों उसकी अपनी लाइफ के परसेप्शन पर या उसकी अपनी लाइफ के अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, उसकी अपनी लाइफ के नज़रिए या उसकी अपनी लाइफ की समझदारी में से निकलती है। और वो ओपिनियन बहुत बार आपकी फैक्ट के नज़दीक भी हो सकती है और दूर भी हो सकती है। दूर होने पर यदि आप दुखी होते हैं और नज़दीक होने पर यदि आप सुखी होते हैं, तो ये कमज़ोरी सिर्फ हमारी अपनी है, उनकी भी अपनी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही उनकी ओपिनियन निकलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि उनकी मजबूरी हमारा दुख ना बने, इसलिए हमें इस फैक्ट को समझना होगा। यदि हम मान करके चलते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग लोगों के प्रति या चीज़ों के प्रति उसी तरह से सोचें, वही मान करके चलें जैसा हम सोचते हैं या जो हमारी ओपिनियन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होगी दोस्तों, एक गलत चाहत होगी। और गलत चाहतें साथियों केवल और केवल दुख लाती हैं, सुख नहीं लाती हैं। हर किसी की अपनी ओपिनियन अलग होती है, जरूरी नहीं वो हमारे फैक्ट के नज़दीक हो। लोग तब चांद को देखते हैं तो अपने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। लोगों के अंदर अलग अलग ख्याल और विचार होते हैं, अलग अलग तरह से चांद के बारे में बात करते हैं। आसमां को देखते हैं तब भी लोगों के ख्याल अलग अलग होते हैं, उनके अंदर की भावनाएं, उमंगे, तरंगे अलग अलग होंगी, उनके विचार अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। लोगों से ताजमहल के बारे में भी लिखने के लिए कहा जाए तो लोगों की अभिव्यक्तियां अलग अलग होंगी, और बाद में आप मिलाएंगे और पाएंगे कि दो काफ़ी जितने लोगों ने भी लिखा उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस था, जबकि ताजमहल भी एक है, चांद भी एक है, आसमान भी एक है। लोगों का सोचना और उनके बारे में बोलना अलग अलग होता है, लेकिन कभी भी चांद, आसमान या ताजमहल शिकायत नहीं करते कि लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं या क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लोगों की ओपिनियन है और उनका फैक्ट उन्हें अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए वो लगातार अपना काम करते हैं, शिकायत नहीं करते। चीज़ों की छोड़िएगा दोस्तों, लोगों की हम बात करते हैं। कुछ तो आपके रोल मॉडल्स होंगे, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप सक्सेसफुल मानते हैं, जिनसे आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिनसे आप इम्प्रेस्ड हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। इनमें अधिकतर लोग जितने भी होंगे वो लोगों की ओपिनियन की परवाह किए बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लोग उनके बारे में भी बहुत बार अच्छा बोलते हैं, बहुत बार बुरा बोलते हैं, लेकिन ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों का बोलना, लोगों की ओपिनियन उनकी लाइफ का फैक्ट नहीं है, इसलिए लोगों की ओपिनियन से ये बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते और बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होते। क्यों? कि उन्हें अपनी ओपिनियन मालूम है, और यही इनकी सफलता का एक राज है कि लोगों की ओपिनियन इनको दुख नहीं देती और उसमें अपना समय शक्ति वेस्ट किए बिना ये लगातार आगे चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, या वो लोग जो लगातार सफलता के लिए संघर्ष करते हैं या दुखी जीवन की शिकायत करते हैं, वो एक गलती अक्सर करते रहते हैं। वो उन लोगों को जिनकी ओपिनियन उनके बारे में अच्छी नहीं है या ठीक नहीं बोलते, अपना कीमती समय और शक्ति उनकी ओपिनियन को या तो ठीक करने में लगाते हैं या लगातार उनके प्रति अपनी नाराज़गी दिखाते हैं, जिसमें सफलता नहीं मिलती, केवल असफलता ही मिलती है। यही उनकी असफलता और दुख का कारण है। साथियों, फैक्ट क्या है लाइफ का, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं या परमात्मा जानता है, इसमें किसी तीसरी गवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर गवाही इसमें अपनी छोटी होगी। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है, लोगों की ओपिनियन कभी भी आपकी लाइफ का फैक्ट नहीं हो सकती। आप अपनी लाइफ के फैक्ट के साथ जीवन जिए और लगातार आगे बढ़ते चले जाएँ। राइट स्टेट ऑफ माइंड के साथ यदि आप आगे चलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको अपना फैक्ट मालूम है। लोगों की ओपिनियन ज़रूरी नहीं उससे मैच खाती हो, या लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पर आकर के
आपकी लाइफ के फैक्ट का असेसमेंट कर सकें। आपको बिना परवाह किए हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, आपको अपने आप को ठीक रखते हुए अपने फैक्ट को समझते हुए आगे चलना होगा। यदि लोगों की ओपिनियन को करेक्ट करने में समय लगाएंगे या उनके ओपिनियन से दुखी होंगे तो ये सिर्फ अपनी वीकनेस है, अपनी पर्सनैलिटी की कमजोरी है। इस पर काम करना होगा, इससे ओवरकम करना होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। इसी तरह से आप सुखी जीवन जी सकते हैं या सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए राइट फ्रेम ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के हाथ में यदि रिमोट रहेगा तो लोगों की ओपिनियंस आपका रिमोट समझें, और जिस तरह से ओपिनियन देंगे आप लगातार उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। इट मीन्स आपकी लाइफ में संघर्ष और असफलता लगातार बनी रहेगी। साथियों, मैं समझता हूँ कि आपको अपनी बात समझा पाया। आज से आपका रिमोट आपकी लाइफ का अपने हाथ में होगा, बिकॉज यू नो द फैक्ट ऑफ योर लाइफ। और दूसरे की ओपिनियन को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव होने में भी टाइम लगेगा। और जैसे जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती चली जाती है, उनकी ओपिनियन भी इम्प्रूव होती चली जाती है। आज कुछ और सोचते हैं, कल कुछ और सोच सकते हैं, परसों कुछ और सोचते होंगे, और आपकी भी ओपिनियन दूसरे लोगों के बारे में अलग अलग ही होती होंगी, बहुत बार उनकी फैक्ट से बहुत दूर होती होंगी। तो ये सिर्फ सत्य और तथ्य यदि हम समझते हैं तो हम अपने जीवन को असफलता को सफलता में और दुख को सुख में बदलकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको अपना मैसेज मैं दे पाया। साथियों, यदि आप समझ पाए और आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जब दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मीटिंग ऑन टाइम हो सके। आई विश यू अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।